लास्ट क्लास में बताए थे यूनिट वेक्टर ये कैसे काम करता है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है तो आई कैप बोलते थे, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। अब आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर को और कैसे लिखते हैं। तब देखते हैं स्टार्ट से, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। अब एक लगा ए से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, ए से कहां गया बी, कितना दूर गया 3 मीटर। अगर सिर्फ ए से बी जाता तो लिखते 3 मीटर आई कैप, सिर्फ ए से बी जाता मतलब 3 मीटर मूव किया है टुवर्ड्स एक्सिस। अब ये पहुंच गया यहां पर, यानी पहले ऐसे गया और फिर ऐसे गया, कितना दूर गया 4 मीटर। यानी एक तरह से पहले ऐसे गया एक्स एक्सिस में और फिर गया वाई एक्सिस में, यहां पर गया ए से बी कितना दूर गया 3 मीटर और फिर मुड़ा और तब चला 4 मीटर इस तरह से। तो फाइनली स्टार्ट यहां से क्या कर पहुंच गया यहां पर, ए से स्टार्ट किया और कहां पहुंचा सी पे। अच्छा कैसे कैसे गया, ए से जो सी गया कैसे कैसे गया, ए से बी गया और फिर बी से सी गया, इसको ऐसे लिखा। इसका मतलब पहले ए से बी गया है, देखो एरो दिए हुए, वेक्टर का सिंबल ऐसे ही होता है। अब फिर बी से सी गया, यानी ए से बी गया पहले फिर बी से सी गया, यहां पहुंच गया। अच्छा इसको कैसे लिखोगे, ए से बी कितना दूर गया है 3 मीटर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। किस एक्सिस में क्या है एक्स एक्सिस में, तो ए से बी लिखेंगे 3 मीटर और साथ में आई कैप। अच्छा बी से सी कितना चला है 4 मीटर, किस एक्सिस में चल रहा है देखो तो ये वाई एक्सिस है और ये भी उसी एक्सिस से चल रहा है, तो लिखेंगे 4 मीटर चला है और वाई एक्सिस में चला है जे कैप। तो सामने वाले को समझ में आ गया पहले 3 मीटर चला है एक्स में फिर 4 मीटर चला है वाई एक्सिस। अब यहां पे तुमसे पूछेंगे बताओ तो ए से सी का क्या होगा मैग्नीट्यूड, यही चीज आज सीखना है। अच्छा यहां देखो अगर सिर्फ ए से बी जाता, सिर्फ ए से बी और कहीं नहीं जाता, तो अगर सिर्फ ए से बी जाता तो क्या लिखते 3 मीटर आई कैप, सिर्फ यहां से यहां गया कहीं बताओ तो ए से बी जो गया है कितना चला है मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ कितना चला है, डायरेक्शन नहीं बताना है इसे, तो हम बोलेंगे 3 मीटर चला है। अगर तुमसे ये पूछा जाए बताओ तो ए से बी जो गया किस डायरेक्शन में गया ऐसे लिखा जाता तब तुम बोलोगे आई कैप, इसका मतलब एक्स एक्सिस में गया। अच्छा सिर्फ बी से सी जा रहा है, बी से स्टार्ट किया और कहां पहुंच गया सी, कितना दूर चला है 4 मीटर। तो B से C अगर पूछते मान लो कोई B से यहां स्टार्ट करके यहां पहुंचता मात्र इतना ही दूर चलता तो क्या लिखते 4 मीटर जे कैप। B से C कितना चला 4 मीटर चला, किस एक्सिस में चला है Y से। क्या ये बताओ तो B से C का क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो तुम बोलोगे 4 मीटर। क्या ये बताओ तो B से C जाने का क्या है डायरेक्शन, तो बोलोगे जे कैप, है ना ये चीज। अब हम लोग सीख रहे इसकी बात करते हैं, ए से स्टार्ट किया, ए से पहले बी गया और फिर बी से सी गया, ए से बी कितना दूर गया 3 मीटर, फिर बी से सी कितना दूर गया 4 मीटर। मैग्नीट्यूड मतलब हम क्या बोले लेंथ लंबाई उसका, मिनिमम डिस्टेंस उसका। अगर तुमसे पूछा गया कि बताओ ए से सी कितना चला है तो हमको निकालना है ए से सी का मैग्नीट्यूड मतलब ए से सी तक का लंबाई एकदम, और वेक्टर जो है ना उसमें फिजिक्स कम है ज्योमेट्री ज्यादा है, तो तुमसे अगर ए से बी का लेंथ पूछा तुम तो देखिए बता दो, लेकिन तुमसे अगर ए से सी का लेंथ पूछेगा इसका मतलब यहां से अगर लेंथ पूछा ये बता दो, तो ये कितना है 3 मीटर चला है एक्स में 4 मीटर चला है वाई एक्सिस में। अब तुम आराम से यहां पाइथागोरस लगा सकते हो अगर तुमसे ए से सी का लेंथ पूछेगा, ए से सी का लेंथ कितना ये 3 मीटर और ये 4 मीटर
तो ये होगा 3 मीटर का स्क्वायर प्लस 4 मीटर का स्क्वायर, कितना होगा? तो एक तो हम लोग डायग्राम देके पहचान लिए, और अगर मान लो डायग्राम नहीं दिया था, ऐसे ही खाली लिखा था, अगर डायग्राम नहीं बना पा, अब तब तक तुमसे पूछ रहा है कि बताओ तो ए से सी का क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो तुमको इसका दूसरा तरीका बता रहा है कि एक तो डायग्राम क्या क्या हो गया कि 3 मीटर चला है एक्स में, 4 मीटर चला है वाई एक्सिस में, ये हो गया ए से सी। अगर हमसे पूछा गया कि ए से सी का क्या लंबाई है, ए से सी का लंबाई निकालिए, ये 4 ये 3 ये 2 सिंपल, यानी ये दिया हुआ 3 मीटर, ये दिया हुआ 4 मीटर, ये आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ, इस फॉर्मेट में, तो तुम्हारे पास तरीका क्या है कि तुम जो आई के आगे लिखा हुआ कोफिशिएंट, आई के आगे कितना लिखा हुआ 3 मीटर, उसका स्क्वायर कर, जे के आगे कितना लिखा हुआ 4 मीटर, उसका स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हुआ है, तुमसे पूछा गया तुम डायग्राम नहीं बनाना चाहते है ना, तो आई का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर, तो जे का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर, ये हो गया 9 और ये हो गया 16, 9 और 16 का रूट हो गया 25 और ये हो गया 25, यानी तुम यहां से ही निकाल सकते हो अगर तुम डायग्राम नहीं बनाना चाहते हो। हम दूसरा एग्जांपल और सिखाते हैं, उससे और क्लियर होगा है। तो दो ऑप्शन है, एक तो डायग्राम बना करके, और दूसरा ऑप्शन है अगर आई और जे के टर्म में लिखा हुआ है तो आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो और जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, इससे भी तुम निकाल सकते हो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। अब इस बार ए का स्टार्ट किया फिर से ए से, ए से कहा गया बी, बी से कहा गया सी, कितना दूर गया 3 मीटर, ये कितना गया 4 मीटर। तो स्टार्ट कहां से किया था, ए से, कहां पहुंच गया सी पर। तो कैसे कैसे लिखोगे, ए से स्टार्ट किया और सी पहुंच गया, ए से स्टार्ट किया और सी पहुंचा, ए से बी पहुंचा, फिर बी से सी पहुंचा। देखो ए से पहले बी गया, फिर बी से सी गया। अच्छा बताओ तो ए से बी जो गया है वो कितना दूर गया है, ए से बी आखिर कितना दूर चला है, तो 3 मीटर चला है। इस बार डायरेक्शन कौन सा है, एक्स एक्सिस चल रहा है या माइनस एक्स एक्सिस चल रहा है, तो माइनस एक्स एक्सिस चल रहा है, तो 3 मीटर चला है और माइनस एक्स एक्सिस, तो लिख दिया माइनस एक्स, यहां से यहां आया, अब फिर इधर गया है कि नहीं, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, फिर चला है 4 मीटर और प्लस वाई एक्सिस में चला, लिख दिया इससे क्लियर हो गया, 3 मीटर पहले माइनस एक्सिस में, फिर 4 मीटर वाई एक्सिस। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस माइनस को आगे लिख सकते, लेकिन हम प्रीवियस क्लास में बताए थे अगर माइनस आगे लिखे हो तो ध्यान रखना कि ये माइनस 3 का नहीं है, ये माइनस आई का है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब फिर से पूछ रहे हैं बताओ तो ए से सी का क्या होगा मैग्नीट्यूड, सिंपल ऐसा है, ये पूछा क्या है मुझे, ठीक है वन बाय वन करते हैं। अगर हमसे ए से बी पूछता, सिर्फ ए से, तो क्या बोलते, 3 मीटर चला है किस एक्सिस में, माइनस एक्सिस, हम चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते, कहीं बताओ तो ए से बी का क्या है मैग्नीट्यूड, यानी यहां से कितना चला है, कितना लंबाई है यहां से तक का, तो माइनस 3 गलती से कितना, ये माइनस 3 थोड़ी है, माइनस तो आई वाली है, ए से बी कितना चला है 3 मीटर चला है, ऐसे नहीं, ए से बी जाने का डायरेक्शन अगर पूछता तो तब हम बोलते माइनस आई का,
अब हमसे पूछा गया कि बताओ ए से सी का कितना लंबाई है, तो सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे हम, कोई फिजिक्स का बात नहीं करेंगे, सिंपल ज्योमेट्री का बात करेंगे। तो ए से सी का कितना लंबाई, यहां से यहां तक लंबाई कितना, तो ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो अभी भी तुम अगर पाइथागोरस से निकालोगे तो ये 3 मीटर का स्क्वायर प्लस 4 मीटर का स्क्वायर ही आएगा, हम वहां से निकल क्या आया देखो, तो यहां से 3 मीटर चले, यहां से 4 मीटर चले, कितना हो गया ए से सी का लंबाई 3 मीटर का स्क्वायर प्लस 4 मीटर का स्क्वायर, कितना गया 5 मीटर। ये तरीका होगा डायग्राम से। अब विदाउट डायग्राम अगर ऐसा दिया रहेगा इस तरह के फॉर्मेट में दिया होगा, तो तुमको हम क्या बोले कि जो आई का कोफिशिएंट है, तो यहां दौड़ो इससे पहले इस स्टेप पे पहले ये देखो आई का कोफिशिएंट 3 है, ये माइनस आई वाले का ही है, तो इससे ध्यान रखना माइनस 3 मत लिख देना, है ना। तो आई का कोफिशिएंट क्या बोलेगा, 3 बोलेगा कि माइनस 3 बोलेगा, तो ये तो माइनस आई वाले का ही जो हमने बाद में स्टेप में आगे लिख दिया, तो आई का कोफिशिएंट अभी भी क्या है 3 है, 3 मीटर का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना होगा 4 मीटर का स्क्वायर, कितना जाएगा। यहां पे एक प्रश्न उठता है कई सारे स्टूडेंट के मन में, अच्छा सर माइनस 3 का ही स्क्वायर कर देने तो क्या फर्क पड़ने वाला, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो फिर से प्लस हो जाएगा। देखो फर्क तो नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर करो कि 3 का स्क्वायर करो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस हो ही नहीं सकता, एक तो ये है, दूसरा ये माइनस 3 का थोड़ी है, ये माइनस तो आई का है, और ज्योमेट्री से यहां देखें डायग्राम से ये 3 मीटर चला है और ये 4 मीटर चला है, तो ये माइनस 3 लिखते हो कि 3 लिखते हो, माइनस तो आई वाले का होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आराम से कर देता है। इसलिए ध्यान रखना कि अगर माइनस 3 भी लिखा जाएगा तो तुम माइनस 3 का स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि माइनस आई का है ना कि 3 का है। हाँ आंसर भले ही मैच कर जाएगा, माइनस 3 भी करोगे और 3 भी करोगे, लेकिन आंसर थोड़ी मैच करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, इसलिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 5, ये चीज। अब अगर x और माइनस वाई रहेगा, लोग एक और दिखा देते हैं, ए से स्टार्ट किया, बी गया, कितना दूर गया 3 मीटर, फिर कितना दूर गया 4 मीटर, कैसे कैसे गया, ए से सी गया, कैसे गया ए से बी गया, फिर बी से सी गया, अच्छा ए से बी कितना दूर गया है देखो, तो ए से बी क्या है 3 मीटर लेकिन माइनस एक्स एक्सिस, और फिर कितना दूर गया बी से सी 4 मीटर गया लेकिन माइनस वाई में गया, तो क्या इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये माइनस आई वाले का है, ये माइनस जे वाले का, ना कि 3 और 4 माइनस है। अब आते हैं मैग्नीट्यूड, एक तो हम लोग सिंपली डायग्राम से कि यहां से 3 मीटर चला है और यहां से 4 मीटर चला है, बताओ तो ए से सी का लंबाई क्या होगा, ए से सी का मैग्नीट्यूड ये 3 और ये 4 है, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस लगाए और हम निकाल दिए, यानी यहां पर फिजिक्स को भूल जाओ, ये दिया हुआ और ये दिया हुआ ये निकाल रहा है, फिजिक्स भूल गए, तो कितना आ गया 3 मीटर का स्क्वायर प्लस 4 मीटर का स्क्वायर, ये हो गया डायग्राम वाला। अब आते हैं अगर ऐसे दिया जाएगा तो हम क्या बोले आई का जो कोफिशिएंट होता है, तो आई का कोफिशिएंट 3 है कि माइनस 3 है,
तब तो समझ में आ गया कि माइनस नहीं है, है ना, आई का कोफिशिएंट 3 होता है, ये माइनस आई के अंदर ही घुसा हुआ है। तो जो आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करो, जो जे का कोफिशिएंट, देख लो जे का कोफिशिएंट क्या है 4 मीटर, आई का कोफिशिएंट क्या है 3 मीटर, ये नहीं कि माइनस लिखेंगे तो आंसर तो वही मिल जाएगा ना सर, क्या दिक्कत है, नहीं वो नहीं करना है, ऐसे नहीं है ना, वो मेथड गलत है। तब कंक्लूजन इसमें क्या आया कि अगर कोई भी वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे, मतलब उससे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, इसका ये हो गया आर, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसा भी एग्जांपल लिए थे ए से बी 3 मीटर आई का 4 मीटर जे का, यानी एक्स हो गया 3 मीटर, वाई हो गया 4 मीटर, आर हो गया ए से सी, तो कैसे निकले थे ए से सी का मैग्नीट्यूड, कैसे निकले इसका स्क्वायर किए थे, इसका स्क्वायर किए थे। अच्छा अगर माइनस हो गया तो क्या किए थे, तो ऊपर वही था, अगर 3i माइनस 4j रहेगा फिर भी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे, अच्छा अगर यहां माइनस हो जाएगा तो ऊपर वही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कंक्लूजन पे आते हैं, अगर 3 डायमेंशन रहेगा जैसे इस तरह से रहेगा, जेड एक्सिस को के से लिखते हो तो कहीं बताओ तो क्या होगा आर का मैग्नीट्यूड, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर माइनस भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आज के क्लास का कंक्लूजन है, यानी कभी भी तुमको अगर मैग्नीट्यूड निकालने कहेगा तो तुमको क्या करना है, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, स्क्वायर करना है, के रहेगा तो के का भी करना है। तो अगर कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा रहेगा तब तो कोई बता देगा, कहीं बताओ तो क्या है मैग्नीट्यूड 3 मीटर, अगर ऐसे लिखा रहेगा क्या है मैग्नीट्यूड, तो चाहे ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे 3 मीटर ही है, हाँ इसका डायरेक्शन माइनस आई का, इसका डायरेक्शन आई का, और अगर ऐसे लिखा रहेगा 3 मीटर आई प्लस 4 मीटर जे क्या है, तब कहेगा बताओ तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या बोले आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, प्लस रहे या माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, तो यही कंक्लूजन है यहां पे। तो ये हो गया किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, है ना। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो तुमको क्या है ना कि हम थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे हर चैप्टर का, अभी हम हमारा मोटो क्या है कि जब तुम्हारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा, जून में स्टार्ट ही हो जाएगा ऑफलाइन, है ना, जैसा उम्मीद है हमको, तो ऑफलाइन के पहले तुमको हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, है ना, ये चीज है। हमको डिटेल में सब चीज नहीं बताना है अभी, है ना, हमको अभी सब सारे चैप्टर का आइडिया लेना है, ताकि तुम जब रेगुलर क्लास में आओ तो तुमको ज्यादा समझ में आए, हर चीज का नॉलेज हो जाए, ठीक है, चलो ओके।